जिन जिन लोगों को लगता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी तो वो लोग वीडियो को लाइक करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 6 रीजन दूंगा जिनसे ये दुनिया खत्म हो जाएगी, वो भी हम इंसानों के हाथों, क्योंकि हम इंसानों के हाथों इस दुनिया की तबाही होना होनी भी और अनहोनी भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अब वो चाहे एयर पॉल्यूशन हो या फिर वाटर पॉल्यूशन। और जो लोग सुबह उठकर फ्रेश एयर लेने जाते हैं तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इस दुनिया के 95% से ज्यादा लोग पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं। और अगर बात करें हमारे दिल्ली की तो वहाँ पर कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। अगर पॉल्यूशन को कम नहीं किया गया तो कोई भी जगह रहने लायक नहीं बचेगी। एयर पोल्यूशन की वजह से कोई भी लिविंग थिंग सांस नहीं ले पाएगी और इन्हीं सब वजह से इस दुनिया से लाइफ खत्म हो जाएगी, और ये सब होगा हम इंसानों की वजह से। कितने हरामी हैं हम। नंबर 2, आइस मेल्टिंग। क्या तुम्हें पता है हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और लगभग 10 साल के अंदर हमारी अर्थ का टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ जाएगा, जिस वजह से सारी ग्लेशियर पिघल जाएगी और सी लेवल 230 फीट बढ़ जाएगा, जिससे लगभग पूरी दुनिया पानी से भर जाएगी और चारों तरफ बस पानी ही पानी होगा। और जिन लड़कों को टाइटैनिक पसंद है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी जान पर खेल करके अपनी शोना को तो बचा लोगे, लेकिन जब तुम उससे मदद मांगोगे तो वो बोलेगी बकुड़ी के। ग्लेशियर पिघल जाने के बाद दुनिया में बहुत ही कम लिविंग थिंग बचेगी और ये सब होगा हम इंसानों की वजह से। कितने हरामी हैं हम। नंबर 3, ओवर पॉपुलेशन। देखो यार, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तुम्हारी गलती है या मेरी, क्योंकि हम इंडियंस का ये वाला टैलेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब कतई जॉनी भैया से भी बड़ा। और इसी टैलेंट से हम चाइना को पॉपुलेशन के मामले में 2050 तक हरा देंगे और हमारी इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएगी। पर ओवर पॉपुलेशन का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, जिसमें से सबसे बड़ा नुकसान है रिसोर्सेज का खत्म होना, क्योंकि जब खाने पीने की कमी हो जाएगी तो लोग एक दूसरे को मारकर खाना छीनने लगेंगे और उस वक्त कोई ये नहीं बोलेगा मेरे बाबू ने ताना ताया, दवाई ली बाबू। और रिसोर्सेज की कमी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए, और हमारी अर्थ का भी वही हाल होगा जो थैनोस के टाइटन प्लैनेट का हुआ था, और ये सब होगा हम इंसानों की वजह से। कितने हरामी हैं हम। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर 3। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, अरे हमारी गांड फटी हुई है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में न्यूक्लियर बम यूज होंगे, जिससे लगभग पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इन न्यूक्लियर बम्स को बनाया किसने? हम इंसानों ने। कितने हरामी हैं हम। नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म AI होता है। साइंटिस्ट ऐसी AI पर काम कर रहे हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बेसिकली वो एक स्मार्ट रोबोट बना रहे हैं जो हमारी हेल्प कर सके। पर इन चूतिया साइंटिस्टों को ये समझ में नहीं आता है, अगर रोबोट हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो वो अपने हक के लिए हमसे लड़ाई भी कर सकते हैं, और अगर इंसानों और रोबोट्स के बीच में वार शुरू हुई तो सारे रोबोट्स इंसानों से बोलेंगे है गांड में दम, है क्या गांड में दम। और इस वार में रोबोट्स ही जीतेंगे, क्योंकि इंसान गलती करता है लेकिन मशीन नहीं। इस वार से हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा डैमेज होगा और ये सब होगा हम इंसानों की वजह से। कितने हरामी हैं हम। नंबर 6, वायरस। किसी एक ऐसे वायरस या बीमारी का फैलना जिसका कोई इलाज ना हो और इसके फैलने से सबकी गांड फट जाएगी, तो ये वायरस आएगा कहाँ से? तो इसे भी कोई चूतिया साइंटिस्ट गलती से बनाएगा और इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया इन्फेक्ट होकर खत्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, पर जाने से पहले कमेंट करो इन 6 रीजन में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा। तो जब से मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।